नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इंदौर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, प्रशासन की कार्रवाई यहां देखने को मिली है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। बिचौली हफ्से के असरावद खुर्द में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरकारी जमीन पर 7 मकान बनाए गए थे जिन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई। तस्वीरें आप देखिए। अब जमीन पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत को जमीन सौंपी जा चुकी है। कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इंदौर से ये खबर है, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था जिसे प्रशासन ने पल भर में ढहा दिया। बिचौली हस्सी के असरावद खुर्द में कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर 7 मकान बनाए गए थे, एक एक कर सभी को ध्वस्त किया गया है। जमीन पर अब वृक्षारोपण हो गया जिसके लिए ग्राम पंचायत को जमीन आधिकारिक तौर पर सौंपी गई है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है कि शिकायत लगातार इस मामले को लेकर प्राप्त हो रही हो और इसी के चलते प्रशासनिक कार्रवाई यहां देखने को मिली है। 7 मकान बनाए गए थे, सरकारी जमीन है, इस पर अवैध तरीके से मकानों का निर्माण कर लिया था। इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और अब इस जमीन पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ग्राम पंचायत को इस बारे में सूचित किया जा चुका है। ये पूरी जमीन अब ग्राम पंचायत के नाम। बिचौली हफ्सी के असरावद खुर्द का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद रहा। सरकारी जमीन पर अवैध मकान बना लिए गए थे जिस पर फौरन टीम पहुंचती है, कार्रवाई को अंजाम देती है। हरदा से अगली बड़ी खबर, जहां दो आदिवासी युवक गंजाल नदी में बह गए हैं। नदी को पार करते समय दोनों युवक बहे हैं। आपको बताएं कि एसटीआरएफ की टीम दोनों युवकों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। रहट गांव थाना क्षेत्र के डहरिया गांव का यह पूरा मामला। हरदा से बड़ी खबर, एक बार फिर से लापरवाही भरी तस्वीरें। दो आदिवासी युवक गंजाल नदी में बह गए। नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पानी का तेज बहाव था और इसी के चलते दोनों बच नहीं पाए। एसटीआरएफ की टीम युवकों की तलाश कर रही है। रहट गांव थाना क्षेत्र के डहरिया गांव की पूरी घटना, पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहाकर ले गया। से पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी है, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी प्रशासनिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। अच्छी बात है कि एसटीआरएफ की टीम फौरन पहुंची है। सहयोगी प्रवीण ज्यादा जानकारी देंगे। प्रवीण, क्या मौजूदा हालात? जी वंदिका जी, ये जो पूरा मामला है हरदा के वनांचल का मामला है, यहाँ पर गंजाल नदी जो है अपने उफान पर थी। तभी जो है दो युवक, आदिवासी युवक थे, मगन सिंह और एक अन्य युवक उसके साथ था। तो ये दोनों जब गंजाल नदी को पार कर रहे थे उसके दरमियान, चूंकि नदी में उफान ज्यादा था, रफ्ते पर पानी था, उस दरमियान इनका संतुलन बिगड़ा और ये लोग पानी में बह गए। जब चूंकि ये एरिया ऐसा था जहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं थी, उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली, रहटगांव पुलिस को, तो एसडीआरएफ को सूचना दी गई और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर इन दोनों की युवकों की तलाश शुरू की गई। फिलहाल जो अभी ताजा अपडेट है उसके अनुसार दो बॉडियां लगभग चांदियापुर गांव है, वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर वो गांव है, वहां पर दो शव मिले हैं जो पानी में है, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। परिजनों को वहां पर पुलिस ने बुलाया है कि ये वही युवक हैं जो बह गए हैं और परिजन वहां मौके पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही उन शवों की पुष्टि हो पाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जानकारी के लिए। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ब्यूटिशियन की लाश बरामद की गई है। फांसी पर लटकी हुई लाश पाई गई है। शॉपिंग मॉल में के पार्लर में काम कर रही थी लड़की। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। बिलासपुर से खबर है, ब्यूटिशियन के तौर पर काम करने वाली इस लड़की की लाश पाई गई है। बिलासपुर से ये खबर सामने आती हुई, फांसी पर लटकी हुई ब्यूटिशियन की लाश मिली। शॉपिंग मॉल के पार्लर में काम कर रही थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश में लगातार जुटी हुई। क्या कोई विवाद की स्थिति है ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। चूंकि परिजन हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, इस लिहाज से भी घटना की जांच होना बहुत महत्वपूर्ण। हत्या का ये मामला हो सकता है, इस तरह का कहीं ना कहीं एंगल परिजनों की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। बिलासपुर की ये वारदात जिसमें ब्यूटिशियन की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गई,
क्या इस लड़की का कोई विवाद पहले रहा, इस ओर भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई, पर दोनों से भी बातचीत की कोशिश, सहकर्मियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। बिलासपुर का ये मामला सामने आया, ब्यूटिशियन की लाश बरामद की जा चुकी है, पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच में लगातार जुटी हुई, चूंकि परिजन ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि हत्या हो सकती है, इसी वजह से हर एंगल को लेकर पुलिस चलती हुई। किसी व्यक्ति के साथ पहले विवाद होना अगर पाया जाता है तो हो सकता है कि उस एंगल को पकड़कर इस मामले की जांच पुलिस करे। हालांकि प्राथमिक तौर पर यही जानकारी कि लाश मिली है, कोई सुसाइड नोट मौके से बरामद नहीं किया गया है, इस वजह से हत्या का शक और ज्यादा बढ़ता हुआ। सही कि युगल हमें ज्यादा जानकारी देंगे, युगल विस्तार से जानकारी मामले पर अभी तक क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? जी देखिए, फांसी पर लटकी हुई ब्यूटिशियन की लाश मिली है। ये ब्यूटिशियन है माल के एक जो पार्लर था संचालित होता था वहां पर काम करती थी। अब परिजन है उनके जो हत्या की आशंका है ये व्यक्त कर रहे हैं और सिविल लाइन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर किन परिस्थितियों में फांसी पर ये लटकी या फिर कोई इसे हत्या करके उसे लटकाया गया है, फिलहाल पूरे मामले की जांच है। बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस है इस मामले की जांच कर रही है। अभी फिलहाल किसी तरह का सुसाइड नोट या फिर ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है या फिर पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। पुलिस तमाम जो है पहले के भी जो फोन डिटेल्स है वो भी इस मामले पे खंगाल रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो आत्महत्या की वजह है या हत्या इसका पता नहीं चल सका है। इस पूरे मामले पर जांच गहनता से पुलिस है वो कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको। ऊपर और अब बात करेंगे बालाघाट की, जहां पर नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। मलाज खंड और किरनापुर थाना क्षेत्र के जंगलों से कुछ बैनर और पोस्टर मिले हैं। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है। आपको ये भी बताएं कि पोस्टरों में मारे गए नक्सलियों की फोटो और नाम लिखकर शहीद का दर्जा दिया गया है। तो आसपास रह रहे ग्रामीणों की तरफ से अपील की गई है, नक्सलियों की तरफ से अपील की गई ग्रामीणों के लिए कि शहीदी सप्ताह मनाएं। बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और इन्हीं बैनर पोस्टर में मारे हुए नक्सलियों के नाम और फोटो हैं। सही कि श्रीनिवास ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, शहीदी सप्ताह बनाने की बात एक तरफ नक्सलियों की तरफ से और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कुछ कदम, इस पर भी जानकारी। जी आपको बता दूं कि 28 से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह का इन्होंने मनाने का अपील आम ग्रामीणों से किया है, जिसके तहत करनापुर और मलाजखंड क्षेत्र में बैनर और पोस्टर बांध के उन्होंने अपना वो जताया है। तो पुलिस द्वारा अभी बैनर पोस्टर को जब्त कर लिया गया है, साथ ही इस मामले की जांच कर रहे हैं और पुलिस पूरे मामले को लेकर अलर्ट पे है। शहीद सप्ताह के दौरान सभी अलग अलग पार्टियों को रवाना कर दिया गया, किसी पर कोई हादसा किसी पर कोई घटना ना हो, नक्सली को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी पुलिस की, और अलर्ट मोड पे पुलिस ने सभी थाना चौकियों को रखा गया है। साथ ही एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग टीम को लगातार रवाना कर दिया गया। आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी जो इस घटना जो बता दूं बैनर पोस्टर सामने आई है, जिसमें कि अप्रैल माह में कादला के जंगल में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें दो महिला जो है नक्सली उसमें एनकाउंटर मारी गई थी और तीसरी जो महिला ज्योति घायल हुई थी, और इस मामले को लेकर पुष्टि हो गई है, नक्सलियों ने खुद पुष्टि कर दी कि उनकी भी मौत हो गई है। तो एक बड़ी सफलता ये पुलिस के लिए है कि उस एनकाउंटर में 3 महिला नक्सलियों की मौत हुई है और साथ ही इसमें 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। कुल मिला के ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही आज इसके बाद ये देखा जा रहा है कि लेकिन बैनर पोस्टर बांध के नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस हाई अलर्ट मोड पे है, थाना चौकियों को अलर्ट रख दिया गया है, साथ ही जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाका है उसको भी बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखा गया और वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही अलग अलग थाना क्षेत्र नक्सल क्षेत्रों के वहाँ पे थाना चौकियों से अलग अलग पुलिस टीम को रवाना किया गया है और सर्चिंग और एरिया नॉमिनेशन। श्रीनिवास आपको रोकना चाह रही हूँ यहाँ पर, समीर सौरभ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसपी बालाघाट है। समीर जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। इस और जरूर जानकारी दीजिएगा क्योंकि बैनर पोस्टर लगाने की जानकारी नक्सली की तरफ से सामने आती है, किस तरह के कदम अब सुरक्षा बलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें समीर जी से, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी इस लिहाज से क्योंकि बालाघाट जिले का जिक्र है, ये वो जिला जहां पर नक्सली लगातार पीछे खदेड़े भी जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा हालात में अभी भी ये लगता है कि कुछ ऐसे जंगल से घिरे हुए क्षेत्र हैं जहां पर नक्सली की मौजूदगी अभी भी देखी जाती है। हमारे साथ समीर जी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। समीर जी आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ जी आवाज आ रही है क्लियर। जी नक्सली की तरफ से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कदम? देखिए पिछले एक डेढ़ साल में लगातार बालाघाट में सुरक्षा बलों की मदद से काफी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई कंटिन्यूस रही है, जिसके कारण हम लोगों ने अभी तक 8 नक्सलियों को मार गिराया है। और अभी जो अपने बैनर मिले हैं आज, उसमें एक और बात की पुष्टि होती है कि इनके जो खटिया मोचा की एरिया कमांडर थी ज्योति, उसकी भी मारी जाने की उन्होंने पुष्टि की है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों की उपलब्धियों में एक और इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। लगातार हमारी एरिया डोमिनेशन और बाकी सर्चिंग तो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, उम्मीद भी यही करते हैं, बहुत सराहनीय कार्रवाई क्योंकि बालाघाट में हम सुरक्षा बलों की तरफ से देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समीर जी हमारे साथ बातचीत के लिए। श्रीनिवास आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते बात करेंगे कोरबा जिले की, जहां से अगली बड़ी जानकारी सामने आती हुई, यूनियन बैंक के एटीएम में लूट की कोशिश हुई है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की कोशिश की है, सबल लेकर एटीएम उखाड़ने के लिए पहुंचे थे। घंटों की कोशिश के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बदमाशों के करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पाली थाना क्षेत्र के पौड़ी बस स्टैंड की पूरी घटना, पुलिस मामले की जांच करेगी। एटीएम में लूट की कोशिश और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसी को आधार मानकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। सहयोगी अब्दुल ज्यादा जानकारी देंगे। अब्दुल, क्या पुलिस ने संज्ञान में लिया इस मामले को, अभी तक कोई कार्रवाई? जी आपको बता दूं कि पाली थाना क्षेत्र के पोड़ी बस स्टैंड की घटना है, जहां पर यूनियन बैंक का एटीएम है, जिसमें 3 नकाबपोश जो बदमाश है वो सब्बल लेकर पहुंचे हुए थे और एटीएम को लूटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन घंटों प्रयास करने के बाद भी वो असफल होने के बाद मौके से फरार हो गए। और बदमाशों की करतूत जो है वो पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पाली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल। और रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां सुकमा के आवासीय स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद बयान दिया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोटा कैबिन में रेप की घटना बेहद निंदनीय है, कोटा कैबिन के अधीक्षिका को निलंबित हमने किया है, आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये आश्वासन की तरफ से। जो कोटा केबिन में जो छात्र के साथ दुष्कर्म हुआ बेहद निंदनीय है, और पुलिस को जैसे जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई है। जो अपराधी फरार है उसे खोजने के लिए टीम गठित हुई भी है, और जो वहाँ पोटा केबिन में जो अधीक्षक थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है, और जो पीड़िता है उसे पूरा न्याय सरकार दिलाएगी। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां संविदा कर्मियों ने एक रैली निकाली है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संवाद रैली उनकी तरफ से निकाली गई, घुटने के बल चलकर विरोध जताया है। इसमें के आदेश को भी फाड़ने की कोशिश आंदोलनकारियों की तरफ से, संवाद नहीं होने की वजह से काफी परेशान है संविदा कर्मी। सिर्फ यही मांग रख रहे हैं कि कम से कम नियमितीकरण की मांग को सुन लिया जाए, कम से कम बातचीत का रास्ता सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं साफ हो। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हैदराबाद में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई और छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों की समन्वय बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शामिल हुए। बैठक में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई है। चारों राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र में अपेक्षित पुलिस बंदोबस्त और कानून व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों से संबंधित विषयों पर अपनी बातें रखी हैं। सही, ममता हमारे साथ जुड़ रही है। ममता, बहुत महत्वपूर्ण पुलिस के बीच इस तरह की सुगबुगाहट, क्योंकि चुनाव भी है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव मुख्य तौर पर। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव सामने हैं और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी हैं इनकी बैठक हुई। इसके साथ ही जो ग्रेहाउंड फोर्स है उसके जो प्रमुख हैं और अलग अलग जो विभाग के प्रमुख हैं वो इस बैठक में बैठे थे। और अक्टूबर नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा निर्वाचन को लेकर जो है शांतिपूर्ण निष्पक्षतापूर्ण चुनाव कराने के लिए ये पूरी बैठक हुई थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था किस तरह से रखी जाए, आपराधिक गतिविधियां जो है उसको किस तरह से कम किया जाए, और चारों राज्यों के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो इसमें इस बैठक में शामिल हुए थे। और सीमावर्ती क्षेत्र में किस तरीके से जो है पुलिस के बंदोबस्त हो, कानून व्यवस्था हो और नक्सल गतिविधियों में कमी लाई जा सके और इस पर क्या रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि खतरे में भी जो चुनाव के लिए जाते हैं वो कर्मचारी भी होते हैं,
और जो आम लोग हैं वो भी, जो खासकर अगर बात करें नक्सल प्रभावित इलाकों के, वो भी डरे हुए होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की जाए उनके मन में कोई डर ना हो, इसको लेकर तीनों राज्यों में बेहतर तालमेल हो सके, तीनों राज्यों के जो फोर्स है वो एक दूसरे को किस तरह से समन्वय के साथ में वो चल सकती है, इन्फॉर्मेशन दे सकती है, खासतौर पर हम बात करें तो, और फेलियर ना हो। यही तमाम विषय जिन पर चर्चा होनी इस बार बहुत जरूरी थी। बहुत शुक्रिया आपका ममता फिलहाल जानकारी के लिए। शाजापुर के आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर रोजवास टोल टैक्स पर एक यात्री बस के स्टाफ और टोल टैक्स कर्मचारी के बीच झड़प की स्थिति सामने आई। विवाद टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे सकता है कि यात्री बस का स्टाफ और ड्राइवर यहां पर लगे बैरिकेड्स को हटाकर जबरन निकलने की कोशिश करते हैं। टोल टैक्स पर मौजूद कर्मचारी उन्हें रोकने की कोशिश कर, इसी दौरान वो घायल भी हो जाता है। आपको बता दें कि यात्री बस का जो ड्राइवर है वो टोल टैक्स जमा करने से मना कर रहा था, इसकी वजह से विवाद की स्थिति बनी। इधर उज्जैन में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। अब विवाद इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के युवकों ने पाटीदार समाज के दोनों युवकों को पीट दिया। जैसे घटना की जानकारी नगर के लोगों को लगी तो खरसौद कला में तनावपूर्ण माहौल दिखा। इसी को देखते हुए पुलिस ने तत्काल दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, गिरफ्तार कर लिया, मामले को शांत कराया। इधर दमोह जिले के पथरिया के विधायक रामबाई सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रामबाई के जेल में बंद परिजनों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर हुए हमले के मामले में रामबाई के देवर और भाई लोकेश पटेल और भतीजे गोलू सिंह को 7-7 साल की सजा सुनाई, 6,000 का जुर्माना लगाया। तीनों फिलहाल जेल में ही बंद हैं। रामबाई विधायक बीएसपी से आप लगातार इन्हें चर्चाओं में देखते हैं, उनकी बयानों की वजह से, उनकी फटकार की वजह से, लेकिन इस बार चर्चाओं में इसलिए क्योंकि उनके भाई उनके देवर को एक बार फिर से सजा सुनाई गई, जो कि जेल में ही बंद है। हमले का मामला और उसके बाद से सजा का प्रावधान लगातार बढ़ता हुआ, 7-7 साल की सजा अन्य मामले को लेकर भी, 6,000 का जुर्माना भी इनके परिजनों पर लगाया गया है। सियासत से लेकर बढ़ सकती है क्योंकि चुनावी साल भी है और बीएसपी विधायक रामबाई के व्यवहार को सब अच्छी तरह से जानते भी हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।